जना गना मना की धुन सुनकर किस भारतीय के मन में हलचल नहीं होगी। वंदे मातरम सुजला, वंदे मातरम लफ्ज कान में पड़ते ही किस हिंदुस्तानी की आंखें नम नहीं होंगी। देश कोई भी हो, पहनावा कोई भी हो, तिरंगे के तीन रंगों को देखकर किस भारतीय के दिल में जज्बात नहीं उमड़ेंगे। बात भारत के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की हो या हो विदेश में बसे 2,80,00,000 भारतीयों की, भाई देश के लिए प्यार न तो पासपोर्ट मांगता है और न तो वीजा। बस यादों का एक सिरा भेजो तो पूरा का पूरा खींचा चला आता है। ऐसी ही यादों का पैगाम लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 समंदर पार गए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे देशवासी जिन्होंने हजारों मील दूर यहाँ रह करके भारत की आन बान शान को बढ़ाया है। भारत की गरिमा और भारतीयों के गौरव को बढ़ाने दुनिया को लगा होगा कि हाँ ठीक है, आएंगे, बड़े बड़े लोगों से 2-4 मुलाकातें करेंगे और चले जाएंगे, अखबार के किसी एक कोने में फोटो आ जाएगी और कल से सारे लग जाएंगे काम पर। पर यहां तो बाजी ही पलट गई। प्रधानमंत्री जी जहां जहां भी गए वहां वहां मानो मेले लग गए। विदेशी भी सोच में पड़ गए कि आज ये इंडियंस का कोई त्योहार है क्या, पुराने रिश्तों में नई जान डाली और भारत की शक्ति एवं सामर्थ्य से दुनिया का परिचय कराने के लिए रात दिन एक कर दिया। आप सबने अपने व्यवहार के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा बहुत इज्जत कमाई है। दुनिया में भारत के लिए एक सकारात्मक पहचान बनाने में आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री जी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से जाकर जुड़े, जिनके साथ भारत के विकास, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर समझौते किए, विदेशों के जरिए स्वदेशी का विकास करने के लिए मेक इन इंडिया का अभिनव अभियान प्रारंभ किया। कहीं फेसबुक के दफ्तर में टेक्नोलॉजी की बातें हुई तो कहीं भारत के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों से मुलाकात हुई। कभी मोदी जी भारतीयों के रेसिडेंशियल कैंप में पहुंच गए तो कभी लोगों के बीच में सेल्फी लेने पहुंच गए। इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों के इतने करीब आया और उन्हें देश के इतने करीब ले आया। पहली बार देश का शीर्ष नेतृत्व सीधा जुड़ा है प्रवासी भारतीयों के साथ। फिजी में तो 33 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कदम रखा। मंगोलिया में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया। यू आर द हार्ट बीट बिटवीन टू ग्रेट नेशंस, टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज, टू वंडरफुल पीपल। लेकिन प्रवासी भारतीयों को अगर सही मायनों में भारत के करीब लाना हो तो इतना काफी नहीं था। तभी भारत सरकार ने सोचा क्यों ना हमारे प्रवासी भारतीयों को देश की नीति निर्धारण की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाए। इसी सोच को सार्थक करने के लिए बनाया गया प्रवासी भारतीय केंद्र, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2016 को किया। पहली बार प्रवासी भारतीयों के हो रहे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, जहां चर्चा परिचर्चा की गई है प्रवासी भारतीयों का भारत के सामाजिक एवं विकास संबंधी प्रयासों में योगदान पर, बेहतर वाणिज्य सेवाओं पर, भारत के पर्यटन की बढ़ोतरी पर, भारत में मेडिकल टूरिज्म के विकास पर, ज्ञान के हस्तांतरण एवं नवाचार के प्रोत्साहन पर, प्रवासी समुदाय संगठनों की भूमिका पर, विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों एवं भारत में पढ़ रहे प्रवासी भारतीय छात्रों की समस्याओं पर, सोशल मीडिया द्वारा प्रवासी भारतीयों से संयोजन बढ़ाने पर, गिरमिटिया देशों के प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने पर और ईसीआर देशों में गए हुए श्रमिकों की समस्याओं पर। प्रवासी भारतीय केंद्र में बनाया गया है
प्रवासी भारतीय म्यूजियम भी और साथ ही प्रवासी भारतीयों के रहने के लिए भी की गई है उत्तम व्यवस्था। पर बात सिर्फ प्रवासी भारतीयों के गौरव और सम्मान की ही नहीं, उनकी सुरक्षा की भी है, जिसे हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पूरी संवेदनशीलता और कर्मठता के साथ बखूबी निभा रही हैं। और स्वयं किंग ऑफ सऊदी अरब सलमान बिन अब्दुल अजीज साहब ने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि 2 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। हम एग्जिट वीजा तो देंगे ही, हम अपने विमानों से उन श्रमिकों को अपने व्यय पर भारत भेजेंगे। प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये काम इसलिए संभव हो सका जो संबंध वो वहाँ से बनाकर आए, भारत और सऊदी अरब के और अपने व्यक्तिगत, ये उसके कारण संभव हो सका है। आज विदेश में बसे भारतीयों को लगने लगा है कि भारत में कोई उनकी सुध लेने वाला है। दुनिया में जहाँ कहीं भी भारतीयों पर संकट की खबर आई, वहाँ वहाँ सुषमा जी की सीधी निगरानी के अंतर्गत मिशन मोड पर शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस। फिर चाहे वो यमन की क्राइसिस हो, या हो पाकिस्तान में सालों तक फंसी गीता की कहानी, चाहे इराक में फंसी नर्सिस पर संकट हो, या हो साउथ सूडान के सिविल वॉर में फंसे भारतीयों की कहानी, आज एक ट्वीट के माध्यम से लोगों की बड़ी से बड़ी समस्या का निराकरण किया जाता है और बहुत तेज रफ्तार से किया जाता है। प्रस्तुत है कुछ झलकियां। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बचपन में खेल खेल में ऐसी जगह पहुंच गई जहां से वापस आना शायद नामुमकिन था। वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि वो न तो बोल सकती थी और न ही सुन सकती थी। गीता, रेस्क्यूड फ्रॉम पाकिस्तान। मैं बहुत छोटी थी जब गलती से गलत ट्रेन से पाकिस्तान चले गई। जो समझ नहीं आ रहा था किस तरफ जाना है और गलती से ट्रेन चल पड़ी, और ऐसी कुछ चार रातें शायद मैं बाहर ही थी और घूम चुकी थी। ये मेरी गलती है कि मैंने, छोटी थी, मुझ में समझ नहीं थी और मुझसे ये गलती हो गई कि मैं गलत जगह पर चले गई। माता पिता की याद सबसे ज़्यादा आती थी, जो मुझे बार बार रुलाती थी। बिल्किस मैम ने मीडिया के मदद से सभी को बताना चाहा। फिर सुषमा स्वराज जी ने भारत में जब यहाँ ये प्रचार देखा, इस मीडिया के थ्रू इस बात को जाना, और मैं इस तरफ प्रार्थना करती जा रही थी, तब मुझे पता चला कि भारत सरकार की इस मेहनत से सुषमा स्वराज जी ने मुझे यहाँ पर वापस इंडिया बुलाने का प्रयत्न किया। जब मैं इंडिया वापस प्लेन से आई तब बहुत खुश थी। मैं फिर इंदौर लाई गई, मैं सब बच्चों को देख के यहाँ बहुत खुश हुई। रिस्पेक्टेड मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इंडिया जिस तरीके से इतना फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है और वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप खूब उन्नति करें। भारत माता की जय, जय हिंद। ये है सुशील कपूर, जिन्होंने दुबई की एक शिपिंग कंपनी को ज्वाइन किया। पर उसके कुछ ही दिनों में सुशील ऐसी जगह पहुंच गए जहां से वापस आना शायद नामुमकिन था। सुशील कपूर, रेस्क्यूड फ्रॉम ईरानियन जेल। हमें ओमान से डीजल लेना होता था और वही डीजल हमें दुबई में आके बेचना होता था। तो ये अभी प्रोसीजर 7-8 दिन 10 दिन हमारा चला था। इतने में एक शिप आता है, अलॉन्ग साइड हमारे शिप के बंदे ऑन बोर्ड होते हैं, उन लोगों ने मारना चालू करा पहले मेरे को, एंड हैंडकफ्स कर दिया, पैर बांधे, गन्स लगाई सर पे। फिर हम लोगों को ईरान लेके गए, पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन के बाद फिर वहाँ पर हमें पता लगा कि हम लोगों को सज़ा दे दी गई है, 2 साल की सज़ा दे दी गई है और फाइन दे दिया गया है $2.9 US million, दैट मीन्स 19 करोड़, और उसकी सज़ा भी है 15 साल। सुषमा मैम ने को पता लगा कि ऐसा हो रहा है, मैम ने आश्वासन दिलाया कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि सुशील को वापस लेकर आऊं। 14 अगस्त को उनके फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जरीफ वो इंडिया आए। सुषमा मैम ने
उनके आगे बात रखी कि आपकी जेल में सुशील कपूर नाम का बच्चा पिछले 2 साल से है, उसकी सजा उसकी खत्म हो चुकी है। लास्ट में 11 अक्टूबर को मेरे पास कोई आते हैं जेल प्रशासन से, एक मैम आई थी, उन्होंने मेरे को बोला सुशील तेरा कल आजादी है। और 14 अक्टूबर को मैंने इंडिया में कदम रखा। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करा, स्पेशली सुषमा मैम ने। 6 साल का मासूम बच्चा जिसका दिल्ली से अपहरण कर बांग्लादेश भेज दिया गया, जुल्म का शिकार सोनू रेस्क्यूड फ्रॉम बांग्लादेश। हम बाहर खेल रहे थे, एक लेडीज आया, बोला हमको एक पान लेके दो। उसके बाद हम गए, उसके बाद बोल रहे थे तेरा भाई ना भूखा है, तेरे भाई को दूध भी दिलवा देंगे, मेरे साथ चलो। उसके बाद उनके घर में ले गए, उनके घर से 1 महीने हो गए रहते रहते। मैं हम बोल रहे थे हमारे मम्मी के पास ले चलो, वो बोल रहे थे वो तुम्हारा मम्मी नहीं है, हम तुम्हारी मम्मी है। उसके बाद हम बोले थे नहीं, उसके बाद हमको मारा, उसके बाद हमको बांग्लादेश में ले गए, उसके बाद हमको काम करवाता मारता। सोनू जब इसे पता चला कि ये अपने घर जा रहा है तो ये बहुत खुश हुआ। 6 साल बाद सबसे मिलेंगे, भाई से, मम्मी पापा से, इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा था। हम अपने माँ बाप को थैंक यू कहना चाहते हैं, सुषमा को, मैडम को भी थैंक यू कहना चाहते हैं, और जमाल को भी थैंक यू कहना चाहते हैं, और विदेश मंत्री को भी थैंक यू कहना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ नौशाद आलम के साथ, कुछ सपनों के साथ, अपने अपनों के साथ। सऊदी अरब गए नौशाद ने अपने भाई को भी खो दिया और शायद खुद भी कहीं खो जाने वाले थे। नौशाद आलम रेस्क्यूड फ्रॉम सऊदी अरेबिया। 41 आदमी को जो इंडियन थे उनको जेल में ले जाकर बंद कर दिया। जेल में इसलिए डाला कि इसी के कहने के आधार पे ये लोग तोड़फोड़ किया है, हालांकि हम कुछ नहीं जानते हैं। और कहने और उसके बाद हमको 1 साल 15 दिन रखा गया था। जब हम सुने कि सुषमा स्वराज जी हम लोग को वापस अपने धरती पे बुला रही हैं, हम लोग को ईद से पहले एक ईद की खुशी मिल गई, हमें बहुत खुशी हुई। और हमारे साथ में जितने भी साथी थे हमारे सब खुशी हुए, और एयरपोर्ट में एक दूसरे से गले मिलकर, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर इतना रोए थे हम लोग कि ऐसा लगता था कि हम लोग ने एक नई जिंदगी अख्तियार कर लिया है। सोचा कि चलो एक तो ऐसी गवर्नमेंट आई जो पब्लिकों के बारे में या जनता के बारे में, जनता के हित में सोचती है। कंप्यूटर इंजीनियर फहीम अहमद अंसारी भारत से निकले तो थे सपनों की उड़ान लेकर, लेकिन मालदीव्स एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ एक अपराधी के तौर पर। उन्हें ड्रग तस्करी के केस में एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। फहीम अहमद अंसारी रेस्क्यूड फ्रॉम मालदीव्स। सर, मालदीव्स पहुंचने के बाद मुझे एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया गया। मुझे वहां जिन लोगों ने भेजे थे मुझे ड्रग केस में फंसा दिए थे और मुझे जेल में डाल दिया गया। सर, ड्रग स्मगलिंग के केस में फंसने के बाद मैंने बहुत कुछ वहां बर्दाश्त किया हूं। तकरीबन 4.5 महीना मैं वहां की जेल में रहा हूं। मैंने वापिस आने की उम्मीद तक छोड़ दिया था। मैं बहुत रोया था, बेहद रोया था, क्योंकि उन 4.5 महीनों में मैंने वो सब कुछ देख लिया था जो शायद आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखता है। उसके बाद जब मुझे मौका मिला, फ़ोन कॉल दिया गया, तो मैंने अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया और उन्होंने हमारे एमपी खासदार डॉक्टर किरीट सुमैया सर उनसे कांटेक्ट किया, उनके पास गए, उनके ऑफिस गए, उन्होंने इस केस को सुषमा स्वराज मैडम के पास ले गए। और सुषमा स्वराज मैडम की मेहनतों की वजह से आज मैं हमारे देश हिंदुस्तान, हमारी कंट्री इंडिया, अपने घर, अपने बीवी बच्चों, अपनी फैमिली के पास हूँ। सर, मैं हद से ज़्यादा रोया हूँ जब एयरपोर्ट पे उतरा मैं, तो वो खुशी मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं, मेरी फैमिली, पूरी ज़िंदगी डॉक्टर किरीट सुमैया सर और सुषमा स्वराज मैडम के आभारी रहेंगे सर।
ऐसा ही कुछ हुआ एक छोटे से गांव के रहने वाले विक्रम सिंह के साथ। वो मलेशिया तो पहुंचे, पर कुछ ही महीनों बाद उन्हें लगा कि अब शायद वो कभी भी भारत वापस नहीं जा पाएंगे। विक्रम सिंह, रेस्क्यूड फ्रॉम मलेशिया। मुझे नहीं मालूम था कि गैर कानूनी तरीके से मेरे को मलेशिया भेजा जा रहा है, और फिर इमिग्रेशन वालों ने छापा मारा तो डुप्लीकेट परमिट तो मुझे अंदर कर दिया, और रोड डेली मेरे को पिटाई की जाती थी। फिर मैंने घर पर अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया, मैं उसे बताया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। सांसद संतोष सहलावत के पास मेरे घर वाले गए और उसके पास मदद मांगी, फिर सुषमा जी के पास उन्होंने अब यही सारी कहानी उनको बताई। उन्होंने फिर आगे की कार्रवाई की, मुझे पता चला कि बाहर सरकार मेरे को वापस ले जा रही, तो मेरे को खुशी से आंसू आ गए थे, और मैं अपने दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। एक माँ जब अपनी बच्ची के बाप को ढूंढने जाती है, अपना परिवार पूरा करना चाहती है, अपने पति को खोजने जर्मनी गई गुरप्रीत कौर भी ऐसा ही कुछ सपना लेकर गई थी। लेकिन वहां उनके साथ साथ उनकी बच्ची की जिंदगी भी दांव पर लग गई, और उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी कि वो कभी वापस भारत जा पाएंगी। गुरप्रीत कौर, रेस्क्यूड फ्रॉम जर्मन रेफ्यूजी कैंप। जो बंदा मुझे लेके गया था उसने मुझे रिफ्यूजी कैंप के बाहर ही खड़ा कर दिया था और बोला कि आप अंदर जाके एंट्री कराओ, मैं आपके सास ससुर को लेके आ रहा हूँ। जब मैं एंट्री करा के बाहर आई तो ना वो बंदा मिला और ना सास ससुर मिले, मुझे कोई मिला ही नहीं वहाँ। मुझे नहीं लगता था कि अब मैं वापसी यहाँ से जा पाऊँगी, मुझे ये था कि पूरी ज़िंदगी बस इसी दुखों में कट जानी है। मेरे साथ जो हुआ हुआ, पर मेरी बेटी के साथ अगर कुछ हो जाता तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ न करती। जर्मनी जाते वक्त यही सपने लेके गई थी कि मेरा परिवार पूरा हो जाएगा, मेरी बच्ची को उसका बाप मिलेगा, मुझे मेरा पति मिल जाएगा, पर कोई सपना पूरा ही नहीं हुआ। और जब फर्स्ट टाइम वीके जी का मेरे पास ट्वीट आया कि आपको गुरप्रीत जी भारत बुलाया जाएगा, तब तो आप ये लगाओ कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब फर्स्ट टाइम मेरी सुषमा जी से बात हुई तो पहले तो ये था कि एक माँ ने जैसे अपनी बच्चे को हाथ पकड़ लिया हो कि आपको नदी पार कर रहे हैं, और इतनी खुशी थी मुझे, मैं सिर्फ हर दो दो मिनट वॉच देख रही थी कि कब मेरा टाइम हो और मैं जाऊँ यहाँ से। खुशी के आंसू भी रुक नहीं रहे थे, बस ये लग रहा था कि फटाफट सुषमा जी सामने और उनके पैर पकड़ लूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। इन दो वर्षों में चार बड़ी निकासियां हुई हैं। इराक में 7,000 से ज्यादा, लीबिया में 3,000 से ज्यादा, यूक्रेन में 1,000 से ज्यादा, और यमन में 4,000 से ज्यादा भारतीय, और यमन से ही लगभग 2,000 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम हुआ। साउथ सूडान से भी 150 से भी ज्यादा नागरिक सुरक्षित भारत लाए गए। यमन और साउथ सूडान से निकासी का नेतृत्व तो विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने स्वयं किया। गोलाबारी के बीच यमन से वो भारतीयों को सुरक्षित भारत लेकर लौटे। इन द एयरक्राफ्ट बिकॉज आई हैड अ हैबिट ऑफ गोइंग एंड टॉकिंग टू पीपल, आई सॉ दिस लिटिल बेबी एंड आई सेड हाउ ओल्ड इज द बेबी एंड शी सेड 5 डेज। I was actually aghast. Of course, we learned later that I think it was a premature child. When we got down, we got the baby examined. The baby was suffering from severe jaundice. Got the baby put into the incubator, and ultimately next day, with the incubator, she flew back to India with the child. तो इस तरह प्रवासी भारतीयों के सम्मान और सुरक्षा को बरकरार रखते हुए देखते देखते दो सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना थके 44 देशों की यात्राएं की। विदेश मंत्री सुषमा जी ने, विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी ने और नवनियुक्त विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर जी ने प्रवासी भारतीयों से नए संबंध प्रस्थापित किए। वे जहां भी गए भारत के सोए हुए जज्बात जगाए,
दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला और प्रवासी भारतीयों का भारत के प्रति सम्मान बढ़ाया। पहले सिर्फ मेहमान बनकर आने वाले प्रवासी भारतीयों की अब देश के विकास, देश के निर्माण में होगी भागीदारी। तो इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हर साल आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस का अब हर दो वर्ष में होगा आयोजन। मुझे सबसे ज्यादा गर्व की अनुभूति तब होती है जब मैं एक साधारण आम भारतीय के बारे में बाहर जाकर सुनती हूँ कि भारतीयों में तीन गुण होते हैं। एक तो भारतीय बहुत अच्छा पड़ोसी होता है, वो किसी के भी सुख दुख में पहुँच जाता है। भारतीय बहुत परिश्रमी होता है, वो नखरे से नौकरी नहीं करता। और तीसरा, वो कानून पसंद होता है। ये तीनों चीज़ें भारत की प्रतिमा को कितना बड़ा बनाती हैं शायद वहाँ बैठकर आपको मालूम नहीं है, लेकिन मैंने दुनिया के जिस भी देश का दौरा किया है ये तीनों बातें मुझे प्रवासी भारतीयों के बारे में सुनने को मिली हैं। मैं आपको सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। जब हमारे प्रवासी भारतीय महीनों सालों बाद अपने घर, अपने देश पहुंचे, अपने परिवार से मिले, तो ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। कहीं माँ के कलेजे का टुकड़ा लौट आया था, तो कहीं किसी की मांग का सिंदूर लौट आया था। कहीं बाप के बुढ़ापे की लाठी लौट आई थी, तो कहीं कोई राखी का हाथ लौट आया था। दिल कई थे पर रंग एक था, हिंदुस्तान का। प्रवासी भारतीयों का सम्मान, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों का योगदान, इन तीन नए आयामों के साथ इतिहास में पहली बार भारत सरकार 2.8 करोड़ प्रवासी भारतीयों से सीधी जुड़ रही है। आइए आज प्रवासी भारतीय दिवस पर गर्व और प्रेम की एक क्षण को मनाएं। जय हिंद।